1026 ईयर में सोलंकी सीरीज के राजा थे भीमदेव फर्स्ट ने बनाया था सर। ओके, तो भीमदेव फर्स्ट ने ये बनाया था तो मोटेरा का सन टेम्पल 3 पार्ट में विभाजित है। ओके, अलग अलग 3 पार्ट है। उसका फर्स्ट पार्ट है सूर्य कुंड। ओके, ये सूर्य कुंड के सामने देख रहे हैं लोग, प्रकार से दिखेगा और काफी बढ़िया बनाया गया भाई चारों तरफ से। यहाँ भी देखेंगे आगे, मैं अभी जस्ट नीचे चलता हूँ उसके बाद देखते हैं। हे यार गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। एक नए सुबह के साथ एक ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज जो डेट है ना वो दोस्तों 4 अप्रैल है और फिलहाल मैं वहां से निकल चुका हूं जहां पे कल मैं ठहरा था। सुबह सुबह निकला क्योंकि यार धूप हो जाती है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती, तो फिर रास्ते में आकर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। तो जस्ट आज जो चलने वाले हैं ना दोस्तों, वो एक बढ़िया जगह पे चलने वाले हैं। आप गुजरात का नाम जानते हैं तो गुजरात में एक सूर्य मंदिर है, वहां चलने वाले हैं और काफी बढ़िया है भाई। वहां बोला जाता है कि सूर्य की पहली किरण जो है ना सीधा उस टेम्पल पे गिरती है और साइड में ही रानी की बाव है, वहां पे भी चलेंगे। तो मतलब आज जो है ना दोस्तों ना एकदम बढ़िया सा होने वाला है व्लॉग, और चलते हैं वहां पे आज पहली बार, मैं देखूंगा कैसा लगता है यार, एकदम बढ़िया लगेगा फिलहाल तो। और आप लोग भी व्लॉग में बने रहे और चैनल पे पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 5 दोस्तों में कम से कम वीडियो को शेयर करें, जिससे क्या है भाई भी थोड़ा सा, भाई को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। और अभी जैसे दंगो इधर साइड में खड़ी है और मैं इधर देखो यहाँ पे कैसा नजारा है, इधर से देखो ना पूरा एकदम सुनसान एरिया है और फिलहाल काफी ज्यादा जंगल है। तो अभी मैं इधर से निकल रहा हूँ, तो बने रहे ब्लॉग में, भाई को सपोर्ट करें। ओके, तो भाई अभी चल रहा हूँ यार गुजरात की गलियों में, और यार गुजरात मतलब अभी गांव की तरफ हूँ ना, तो इस रीजन से ना काफी ज्यादा यार मतलब जंगल ही जंगल देखने को मिल रहा है और गांव तो मिल ही नहीं रहा। जैसे ये देखो पूरा नजारा एकदम एकदम जंगल से जा रहा हूँ यार, दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। और इधर गन्ना चल रही है मेरे साथ और चल रहे हैं अभी सूर्य मंदिर, और उधर भाई घूमेंगे एकदम बढ़िया से। एक भाई है जो हमारा वेट कर रहे हैं। तो जस्ट गाइस अभी आ चुका हूँ सूर्य मंदिर के जस्ट पास में, तो अभी अपने धनों को साइड में मैंने खड़ा कर दिया और यहाँ पे सर लोग हैं और साइकिल को यहाँ पे खड़ा कर दिया, बोल दिए सर से देखेंगे। तो जस्ट ये देखो सामने से कुछ गेट का नज़ारा ऐसा कुछ है और यहाँ पे छोटी सी कुछ दुकानें लगी हैं खीरे वगैरह की। तो अभी फिलहाल हम लोग मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं और मंदिर में अंदर चलने के बाद देखेंगे ना। और यहाँ के लोगों का मान्यता है कि भाई यहाँ जो पहली किरण है ना सूर्य की, सबसे पहले यहाँ पड़ती है, उसके बाद फिर चारों तरफ पड़ती है। तो फिलहाल अभी अंदर चलेंगे और सूर्य मंदिर को पूरी तरीके से अच्छे से घूमेंगे, तो आप लोग भी आशा करता हूँ कि घूमेंगे मेरे साथ। तो चलते हैं गाइस आगे, अभी वहाँ पे चलते हैं टिकट काउंटर और बात करते हैं यार, देखते हैं चार्ज वगैरह लगता क्या। फिलहाल बाकी जगहों पे तो मेरा चार्ज नहीं लगा था, अभी सर से यहाँ बात करते हैं चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, वो सर से बात करते हैं उसके बाद ही बताएंगे। सर नमस्कार, सर मैं ऑल इंडिया टूर कर रहा हूँ साइकिल से, तो क्या मेरा टिकट का पैसा लगेगा? कैसे हो? मैं ऑल इंडिया साइकिल से टूर कर रहा हूँ, प्रयागराज से आया हूँ, अभी मेरा 6 स्टेट कंप्लीट हुआ है, अभी इसके बाद मैं राजस्थान की तरफ जा रहा हूँ, पूरा भारत घूम रहा हूँ। आप अकेले हैं? जी जी मैं अकेला हूँ। ओके, तो सर ने अभी ना पैसे नहीं लिए हैं टिकट का, और जस्ट सर से भी थोड़ा बात कराते हैं। सर का नाम क्या है? हेलो सर, हाय, आपका नाम क्या है? डीडी बनकर। ओके, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? ऐसे तो मैं अरवली डिस्ट्रिक्ट का। ओके सर, यहाँ के बारे में थोड़ी बहुत कुछ बात बताएंगे, सूर्य मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ भी? वो जो सब डिटेल्स उधर लिखा हुआ है। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो सर से बात हुई बढ़िया से और जस्ट अभी हम लोग अंदर चलते हैं और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं, तो बने रहे ब्लॉग में। तो जस्ट गाइस यहाँ पे कुछ दिया हुआ गया है, यहाँ पे खाने पीने की कोई भी सामग्री अंदर नहीं ले जाना है और कूड़ा कचड़ा या जो भी पॉलीथीन वगैरह है वो वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि भाई स्वच्छता ही सब कुछ है। तो मैं तो यही चीज़ का प्रचार भी कर रहा हूँ, तो मुझे भी ऐसा तो कुछ करना ही नहीं है, तो ये जस्ट कुछ है। और जस्ट धनु को वहाँ पे खड़ा कर दिया, अभी मैं चल रहा हूँ अंदर, तो काफ़ी सारे लोग आए हैं जो बाहर से विदेश से। हेलो सर, आपका नाम क्या है? विठल भाई। तो सर यहाँ पे सिक्योरिटी का काम करते हैं, SIS सिक्योरिटी गार्ड हैं। ओ जी सर, यहाँ पे बाहर से भी लोग आते हैं घूमने के लिए? इस मंदिर को बनाए हुए कितने साल हो गए, कितना पुराना है कुछ पता है आपको? तो सर को इसके बारे में नहीं मालूम है, बट मैं आपको बताता हूँ अभी चल के। तो जस्ट अभी फिलहाल यहाँ पे, और ये चेयरवेल मतलब इधर जो लोग नहीं चल पाते उनके लिए है क्या? अच्छा, जो लोग नहीं चल पाते हैं उनके लिए यहाँ कुछ व्यवस्था भी की गई है, तो फिलहाल अभी मैं तो चल सकता हूँ। तो ठीक है गाइस, चलते हैं आगे। अभी यहाँ पे एक बोर्ड है, तो बोर्ड को थोड़ा सा दिखाता हूँ, यहाँ पे मोटेरा का ये सूर्य मंदिर। तो जस्ट यहाँ पे कुछ ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, और बारीक से पूरा पढ़ने पे मैं बताऊँगा तो भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। सूर्य मंदिर जैसा ये, तो ये देखो
ये क्या है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना वो सब चीज, मैं खुद बताता हूँ लोगों को। ओके तो जैसे गाइस यहाँ पे देखेंगे ना तो पूरा नजारा देखो कितना बढ़िया सा दिख। तो यार गाइस अभी आ चुके थे, देखिए मोटेरा का सूर्य मंदिर जस्ट मैं एकदम सामने खड़ा था और एक भैया हमारे साथ जुड़े हैं जिनका नाम है जितेंद्र सिंह और मेरा भी नाम आप तो जानते हैं कि मेरा भी नाम जितेंद्र है। तो भाई से अभी थोड़ा सा भाई यहाँ पे गाइड का काम करते हैं, बट मैंने भैया से रिक्वेस्ट की थोड़ा बहुत मुझे बताइए विदाउट मतलब पैसे के। तो अभी भैया से कुछ पूछते हैं यहाँ के बारे में, यहाँ की विशेषता क्या है, और भैया का नंबर मैं सभी कुछ दे दूंगा यहाँ पे, अगर आते हैं आप घूमने तो भैया को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो भैया आप यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे। वेलकम टू सन टेम्पल मोटेरा, मैं जितेंद्र सिंह सोलंकी, मेरा मोबाइल नंबर है 9620408142। तो ये मोटेरा का सन टेम्पल है, मोटेरा का सन टेम्पल 1000 ईयर ओल्ड है। तो ये टेम्पल 11वीं सेंचुरी में इस सन 1026 ईयर में सोलंकी सीरीज के राजा थे भीमदेव फर्स्ट ने बनाया था सर। ओके okay. तो भीमदेव फर्स्ट ने ये बनाया था। तो मोटेरा का सन टेम्पल 3 पार्ट में विभाजित है। ओके okay. अलग अलग 3 पार्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट है सूर्य कुंड। ओके okay, ये सूर्य कुंड के सामने देख रहे हैं। ओके वाटर टैंक है, स्नान करने की व्यवस्था की गई थी okay. पहले हिंदू धर्म में स्नान करके बाद ही टेम्पल में प्रवेश मिलता था सर, एंट्री मिलती थी। ओके दूसरा पार्ट है सभा मंडप। ओके तो फर्स्ट इमारत देख रहे हैं ये सामने जो दिख रहा है गाइस, कुछ सभा मंडप, वहाँ भजन कीर्तन और प्रार्थना होती थी सर। okay. और उसके पीछे वाली इमारत है सर, वो मेन टेम्पल है सन टेम्पल, जहाँ भगवान सूर्य नारायण की गोल्ड की स्टैचू रखी गई थी। ओके अभी नहीं है, 12वीं शताब्दी में। ये टेम्पल की खास बात है सर, तो ये टेम्पल में सर 23.5 डिग्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पसार हो रहा है सर। ओके तो सर 1000 साल पहले उसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पता चला था सर, इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के हिसाब से एक साल में 2 बार इक्वल डे होते हैं। ओके इक्विनॉक्स डे और नाइट सेम होती है सर, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च के दिन जो सनराइज होता है ना, तो सूर्य की सन की फर्स्ट रे भगवान के सूर्य नारायण में रखे गए डायमंड पे टच होती थी सामने गर्भगृह में। ओके तो टच होने के कारण पूरा टेम्पल लाइट से जगमगी उठता था सर, इसीलिए उसको सन टेम्पल कहते हैं। ओके लेकिन अफसोस 12वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने ये टेम्पल पर अटैक किया, तो भगवान की गोल्ड की स्टैचू, उसका डायमंड और उसके नीचे रखा हुआ खजाना खड्डा कर लेकर चला गया। ये खिलजी पूरे लेके चले गए, पूरे लेके गए और पूरे टेम्पल की जो स्टैचू उसने हर स्टैचू तोड़ दी। कोई ऐसी स्टैचू नहीं है पूरी है, किसी का हाथ पैर नाक कान मुंह कुछ न कुछ तो तोड़ दी है सर, क्योंकि उसको पता था हिंदू धर्म में टूटा हुआ टेम्पल या स्टैचू की पूजा नहीं की जाती, इसलिए आज भी पूजा बंद है। ओके लेकिन जो फर्स्ट रे गिरती है इसलिए गवर्नमेंट ने सर ये इंडिया सनलाइट से सर सोलर ऊर्जा से चलता हुआ दिखाया, इंडिया का फर्स्ट गांव है सर, हर मकान के छत पर सोलर पैनल गवर्नमेंट तरफ से फ्री में दिए है, मुफ्त में दिए सर, हर गांव मतलब हर घर पे सर आप दिखाई देंगे तो हर गांव के सोलर पैनल लगी हुई दिखाई देगी सर। इंडिया का फर्स्ट गांव है मोटेरा विलेज, सनलाइट विलेज कहते हैं भाई। देखिए कुछ ऐसा मतलब सुनने को मिला यहाँ पे, इस गांव में ना अभी हर एक घर पे आप देखेंगे ना तो सोलर पैनल का प्रयोग किया गया है और लाइट का यूज नहीं। तो ऐसा कुछ भाई देखने को मिला। तो हाँ भैया और कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक होगी तो पार्किंग में चार्ज करने की भी व्यवस्था है सर। ओके ओके नहीं मैं तो साइकिल से हूँ। तो सर ये पूरा टेम्पल बहुत बहुत अच्छे कार्विंग देखने के है, इसमें टेम्पल में रामायण महाभारत सन कैलेंडर वास्तुशास्त्र बर्थडे और मोक्ष धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी का एजुकेशन दिया है सर। अच्छा यहाँ पे सभी का एजुकेशन दिया गया है, पूरा देखने तो सर 1 घंटा पूरा लगेगा सर। ओके तो सर से मतलब भैया से बात करने के बाद ना काफी बढ़िया लगा और भैया ने मुझे इतना कुछ यार बताया, काफी बढ़िया लगा। तो अभी भैया को आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो भैया ने जो नंबर दिया ना उस पे आप भैया को कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आके घूम सकते हैं। सर बोल के एक बार हम चारों तरफ मंदिर को घूमते हैं। ओके भैया बाय। तो ये पहले सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ना तो स्नानागार था, जो कि हिंदू धर्म रीति रिवाज में पहले सबसे पहले स्नान किया जाता था, उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश किया जाता था। तो ये कुछ देखेंगे यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा, कितना बड़ा सा स्नानागार है। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्नान करते थे, उसके बाद ही ना पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश करते थे। तो ये कुछ पहला जो है नज़ारा, और अभी आगे चलते हैं। फिलहाल गाइस अभी देखो मंदिर के जस्ट एकदम पास आ चुके हैं और ये देखो इधर से भी देखेंगे ना तो पूरा कुंड देखिए किस प्रकार से यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से ना पूरा देखिए, ये देखो यहाँ पे ना स्नान करने के बाद जस्ट इस मंदिर में प्रवेश किया जाता था और मंदिर में पूजा की जाती थी। तो ये देखिए पूरा कुंड ना कितना बढ़िया दिख रहा है अभी से ना, स्टेप बाई स्टेप देखिए
सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और किस प्रकार से देखिए पूरी चारों तरफ नक्काशी देखेंगे ना तो क्या ही बात करें यार, कितना बढ़िया बनाया गया था। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो एक भी मूर्त अभी एक अच्छे ढंग से नहीं है, क्योंकि सारी मूर्तियाँ ना खिलजी वंश की ने तोड़ दी है। तो अभी कुछ आगे अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं। तो जस्ट गाइज यहाँ पे आया ना मैं तो देखा यहाँ से एक अंकल जी थे सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे, उनसे पूछा तो यहाँ पे एक लिपि है कुछ जो कि अंधों के लिए है, वो मतलब स्पर्श करके ना इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, यहाँ के बारे में जान सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें लिखा है। बट मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है, स्पर्श करने के बाद भी समझ में आएगा। तो फिलहाल ऐसा भी कुछ यहाँ पे है। और ये देखो पूरे मंदिर का नज़ारा एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, अभी ये पूरा मंदिर मैंने घूम लिया। तो अभी चलते हैं गाइस और कुछ खाना पीना खाते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर चलते हैं आगे। तो बने रहें ब्लॉग में और भाई को सपोर्ट करें। जस्ट अभी चल रहा था यार और मैंने जस्ट अपनी धनों को साइड में खड़ा किया, यहाँ पे काफी सारे भाई मिले। और सबसे पहले मैं जानूंगा कि इस जगह का नाम क्या है, मैं तो नहीं देखा। हेलो भाई, क्या नाम है इस जगह का? मोटेरा, सन टेम्पल से आगे 2 किलोमीटर मणिपुरा। ओके, सन टेम्पल से मैं जस्ट ऐसे आया तो मोटेरा नाम है, मोटेरा के आगे 2 किलोमीटर मणिपुरा गाँव में मैं जस्ट अभी बैठा हूँ। और भाई यहाँ पे खाट वगैरह देखिए यार, कितना सुकूनमय है, ऐसा लगता है गाँव में बैठा हूँ खाट में और काफी दिनों बाद बैठ रहा हूँ, एकदम बढ़िया लग रहा है। और भाई लोग से मिलने के बाद ना काफी बढ़िया लगा, भाई ने अभी पानी पिलाया मुझे और 150 के आसपास भाई ने मुझे कुछ पैसे दिए खाने पीने के लिए, तो काफी बढ़िया लगा। मतलब ये होता है ना कि भाई ने ये सपोर्ट नहीं किया बल्कि मेरे जर्नी को और कंटिन्यू करने के लिए उत्साहित मुझे किया और मुझे काफी बढ़िया लगा। भाई को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी भाई सारे लोग ना अपने चैनल अभी सब्सक्राइब वगैरह कर दिए हैं और सभी भाई वो देखो वीडियो वगैरह चल रही है मेरे भाई। ये लोग अभी आ चुका हूँ, एक ऐसा छोटा सा बगीचा है और जस्ट साइड से ये रोड जाती है। अपनी धनों को साइड में मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया और इधर एक पानी की चक्की चल रही है जिसे पंचक्की बोलते हैं। तो जस्ट मैंने अपना यहाँ पे जो है ना वो देखो बिस्तर लगा लिया, मतलब कि जो मैट वगैरह है ना वो लगा लिया और बैग वगैरह यहाँ पे रख दिया, हेलमेट लग दिया। तो थोड़ा सा क्या है ना यहाँ पे रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई है और देखते हैं फिर अभी कहाँ तक चलना होता है यार। तो काफ़ी बढ़िया लगा, भी थोड़ा सा यहाँ रेस्ट करते हैं उसके बाद फिर चलते हैं आगे। आ चुका हूँ, एक नायरा का पेट्रोल पंप है और धनो को जस्ट साइड में खड़ा कर दिया और अभी देखिए चाय पी रहा हूँ, भैया लोग के पास आया। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? महेंद्र पटेल है, मेरा नाम महेंद्र पटेल, मतलब कि एमपी बोलते हैं। ये मेरा पेट्रोल पंप है, ये मेरे पंप पे आ जाए हैं। यस, मैंने उसका स्वागत किया है और बोले रुको यार, रुको, रुक सकते हो पूरी नाइट, रुक सकते हो, खाना बाना मेरी तरफ से हो जाएगा और कोई तकलीफ हो तो मेरे को फोन करना, मैं उसका नंबर दे देता। तो आप भैया खुद ही बोल रहे हैं, मैं मुझे क्या बताना। और ये भैया ये हैं, भैया हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन है। ओके, आप यहीं के रहने वाले? मैं इनका फ्रेंड हूँ। अच्छा, भैया जो है भैया के फ्रेंड का पैंप पर जस्ट भैया ये खड़े हैं, बाकी सारे लोग इधर देखिए काम करने वाले लोग हैं, स्टाफ हैं। तो